उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना नॉमिनेशन भरा, उससे पहले उन्होंने बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। खटीमा से दरअसल चुनावी मैदान में उतरे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जीत की पूरी उम्मीद उनको है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले बजरंग बली का आशीर्वाद लिया, नॉमिनेशन फाइलिंग हुई, उनसे हमने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। जी सबसे पहला सवाल, भगवान से क्या मांगा? नहीं, आज मैं हर बार, चूंकि जब भी मैं अपना कोई भी कार्य करता हूं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब बिना विघ्न, बिना किसी क्लेश के जो है सारा कार्य संपन्न हो, यही भगवान से प्रार्थना की है। जीत को लेकर क्या मंत्र रहेगा इस बार आपका? नहीं, जीत को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब की बार हमने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, चुनाव आते आते उत्तराखंड की जनता हमें आशीर्वाद देगी और अब की बार 60 पार का जो नारा है वो पूरा होगा। किशोर उपाध्याय को कैसे देखते हैं? किशोर उपाध्याय की आज आप लोगों ने ज्वाइनिंग करा दी, कैसे देखते हैं? नहीं, किशोर उपाध्याय हमारे बड़े पुराने नेता हैं, काफ़ी उनका अनुभव है, उनको आने से निश्चित रूप से पार्टी को लाभ मिलेगा। कैसे आज कैसे रहेगा आपका आज का दिनचर्या, क्या रहेगा, कितनी देर में आप नामांकन भरेंगे, क्या सबसे मेन प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? नहीं, आज मैं चूंकि सुबह से ही मैं आज जनसंपर्क में निकला हूं, नामांकन के बाद भी आज पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क करूंगा, सभी का आशीर्वाद लूंगा। तो ये थे पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने सीधे रूप से बताया कि उनका मेन मूल मंत्र यहाँ से जनसभाओं को, लोगों को साथ में लेकर चलना है और आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि पुष्कर सिंह धामी यहां से क्या गुल खिला पाते हैं। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, खटीमा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। नॉमिनेशन फाइलिंग से पहले दरअसल उन्होंने टाइम्स नाउ भारत से बातचीत की और काफी आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड में कमल खिलेगा। ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 60 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट से दरअसल पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगर उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो हमने देखा कैसे एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री बदले गए राज्य में और ये कहा भी जाता रहा कि अंदरूनी लड़ाई का ये पूरा असर है जो नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चुनौती सीधे तौर पर कांग्रेस से है उत्तराखंड।